बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिला से जुड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया है और इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। व्यास पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में सबसे अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार भी प्रदेश के विकास में हरसंभव सहयोग कर रही है और कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हिमाचल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। लगभग 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में मैं कह सकता हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश के गरीब आदमी के साथ खड़े होकर के उसके साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के उसकी मदद, हमने विभिन्न योजना जो शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, अगर उन योजनाओं में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारी योजना एक गरीब आदमी, पीछे रहा हुआ आदमी, पिछड़ा हुआ आदमी, उसको आगे लाने के लिए है, उसको मदद करने। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल के लिए बहुत बड़ा योगदान, हमने सहयोग मांगा, मदद मांगी कि कोविड के कारण हालात खराब हुई है, परिस्थितियां खराब हुई है, ऐसे में हमको मदद करिए। 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हमको दिए, जिसके लिए हम हिमाचल के देवभूमि के सभी लोग उनका हृदय से आभार करते हैं। इस बीच उन्होंने पालमपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया।